कंडाघाट में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मशरूम उत्पादन के आवश्यक टिप्स युवा किसानों को दिए गए, ताकि वे मशरूम की खेती कर खुद को मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में स्थापित कर सकें। उन्हें मशरूम की फसल किस तरह से लेनी है, मशरूम की खेती करते समय किन आवश्यक बातों का ख्याल रखना है, फसल को किस तरह से बाजार में बेचना है, इस बारे विस्तृत से जानकारी दी गई। ये जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत पौधों की रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आरती शुक्ला ने दी। आरती शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट द्वारा 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें सोलन, कंडाघाट, नालागढ़ और कुनिहार के 22 युवा किसानों ने हिस्सा लिया। इन युवाओं को मशरूम की खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आरती शुक्ला है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र सोलन, जो कि कंडाघाट में स्थित है, वहाँ पौधों की रोग विशेषज्ञ हूँ। हमने कृषि विज्ञान केंद्र में 5 जुलाई से 9 जुलाई तक एक मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। ये प्रशिक्षण शिविर आर्या प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया। आर्या प्रोजेक्ट हमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जो लुधियाना में क्षेत्रीय परियोजना निदेशालय है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। इस प्रोजेक्ट का जो मकसद है वो मशरूम उद्यमी तैयार करना है, और जो हमारा युवा बेरोजगार जो खेती से विमुख हो रहा है उसे मुख्य धारा से जोड़ने का है। तो इस प्रशिक्षण शिविर में हमारे सोलन जिला के सभी 4 विकास खंडों, सोलन, कंडाघाट, नालागढ़ एवं कुनिहार के प्रतिभागियों ने, 22 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। तो हमने 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान इन्हें मशरूम उत्पादन से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से प्रदान की। खास तौर पे बटन मशरूम, ढिंगरी मशरूम, मिल्की मशरूम, शिटाके मशरूम और काला कंचपड़ा इत्यादि, इन मशरूमों से की उत्पादन की पूरी जानकारी इन्हें दी गई, और इनमें किस प्रकार से आपको क्रॉप मैनेजमेंट करनी है, बैग का रखरखाव किस प्रकार करना है, बीमारी कीट का प्रबंधन कैसे करना है, और इसके बाद जैसे अगर मशरूम इनकी ज़्यादा मात्रा में तैयार होती है तो उसका मूल्य संवर्धन किस प्रकार करना है, इन सभी विषयों में हमें जानकारी इन्हें प्रोवाइड की है। और इस 5 दिन के दौरान हम इन्हें कुंभ निदेशालय, जो चंबा घाट में स्थित है, वहाँ भी ले गए, और वहाँ के वैज्ञानिकों से भी इन्होंने चर्चा की और परिसर का भ्रमण किया। और इसके अलावा हम इन्हें स्पॉन लैब, जो विश्वविद्यालय की चंबा घाट में है, वहाँ भी ले गए, और इन्हें किस प्रकार से कुंभ का बीज तैयार होता है वो भी दिखाया गया। और अगले दिन हम इन्हें कोयल गाँव में श्री अमित ठाकुर के फार्म पर ले गए, और वहाँ इन्होंने उनके अनुभव अपने साथ साझा किए अमित जी ने, और इनकी जो भी शंकाएं थी प्रतिभागियों की वो भी इन्होंने दूर की। और हमने कार्यक्रम के अंत में हमारे जो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं तथा नाबार्ड के DDM श्री अशोक चौहान जी को भी बुलाया और उनसे भी इनकी इंटरेक्शन करवाई। धन्यवाद।